कोरोना वायरस का प्रकोप इन दिनों पूरे दुनिया भर में है। हम इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें और भारत के उसमें इसका अध्ययन करें तो बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं, क्योंकि प्रभाव पूरे वर्ल्ड में एक जैसे हैं, लेकिन हम चूंकि बात भारत की करेंगे और चूंकि बात मध्य प्रदेश की करेंगे तो हम उसे कई तरह के प्रभाव हमको देखने को मिलेंगे। हम जिस तरह से कोरोना का कहर उभरा है कि कोरोना का कहर लोगों पर हुआ है, उससे साफ है कि लोगों का जीवन बिल्कुल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, उनके व्यापार चौपट हो गए हैं, साथ ही जो धंधे थे, जो रोजगार थे, उनकी समस्याएं खड़ी हो गई है, बेरोजगारी सामने खड़ी हुई है, धंधे चौपट हो गए हैं, व्यापार नहीं है। उसमें सरकार बहुत तरह की रियायत दे रही है, क्या वो रियायत लोगों को मिल रही है, नहीं मिल रही है, किस रूप में मिल रही है, तो और क्या होना था, क्या हुआ, क्या क्या बेहतर हो सकता था, इन सब पर हमको बात करना चाहिए। मैं आपका यहाँ पर कुछ चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कोरोना कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई डेडलाइन फिक्स नहीं है कि वो कब खत्म होगी, किन किन लोगों किन किस किस रूप में जाएगी, क्या स्थिति होगी। अभी लोग बोलते हैं कोरोना का थर्ड फेज शुरू हुआ है, कोरोना का हमने बहुत रिकवर कर लिया है, सब कुछ हम सब देख रहे हैं। एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसने पूरे मन को कचोट के रखा था, वो मजदूरों का दर्द जो हमने सड़कों पर देखा है, मासूम बच्चों को देखा है, चिलचिलाती धूप में लोगों को पलायन करते हुए देखा है, वो उससे हमारा हृदय पूरा पीड़ा में भर गया। मन ये लगता है कभी कभी कि क्या जो निर्णय 50 दिन बाद हुआ वो निर्णय पहले नहीं हो सकता था, क्या ट्रेनें 50 दिन पहले नहीं चल सकती थी, क्या लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद इसी व्यवस्था नहीं हो सकती थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ इस बात का है कि जो केंद्र सरकार ने जो पैकेज की बात कही है, केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात कही है, क्या वो पैकेज आम व्यक्ति लेमैन तक पहुंचेगा, किस रूप में उसका फायदा होगा, क्या किसे लोग उसका फायदा लेंगे, ये भी एक सवाल है। मध्यम वर्गीय परिवार की हम बात करें, उस पूरे पैकेज में मध्यम वर्गीय के लिए क्या है, ये भी एक सोचने की बात है। सीधा सीधा है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो ईएमआई जमा कर रहा है, जिसको बैंक जिसने अपने घर के लिए लोन लिया है, अपने धंधे के लिए जिसने लोन लिया है, क्या सरकार ये नहीं कर सकती थी कि उसकी 5 या 6 या 3 ईएमआई उसकी जमा कर दें ताकि उसको सीधी सीधा राहत मिले, उसका भी अधिकार है, उसको भी राहत मिलना चाहिए। अभी यदि हम बात करें तो अभी जो पूरा फोकस है वो 2 वर्ग पर फोकस है, उसमें मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं बीच में छूट जाता है। एक तो गरीब मजदूर जो सड़क पर है, जिसकी चिंता सरकार को 50 दिन बाद हुई, दूसरा अमीर वर्ग जिसके बड़े व्यवसाय जिसके चौपट हुए, मध्यम वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं बीच में सरकार की प्रायोरिटी में है या नहीं है अभी समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक बात हम बैंकों की ईएमआई करें, जहाँ तक हम बात बच्चों के स्कूल की फीस की करें, तो सारे जितने बड़े स्कूल थे वो फीस ले चुके हैं, उन्होंने पहले से स्कूल की फीस ले चुके थे वो। अब सरकार भले से अब बोले कि ट्यूशन फीस लें आप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो फीस ले चुके हैं अपनी, वो अपना जो उनको पेरेंट्स से लेना था पैसा वो उसका काम कर चुके हैं। अब हम बात करें कि पॉलिटिकल लोगों की क्या हालत बनेगी, पॉलिटिकल रैलियाँ कैसे होंगी। कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है हमको, इस कोरोना ने हमको एक लेसन दिया है और वो लेसन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सवाल आएगा पॉलिटिकल लोगों का। अब जो पहले हम हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी रैलियाँ दिखते सकती है, प्रदर्शन होता था, 2 2 लाख लोग, 5 5 लाख लोग होते थे रैलियों में, अब वो मुझे लगता कि वैसा समय आएगा, एक साल बाद आएगा, लोग उसमें थोड़ा सा डर के जाएंगे, एक वो स्थिति रहेगी। अब ये लोगों पे यह तोहमत भी नहीं लगी नेताओं पर कि पैसे दे के बुलाते हो क्योंकि रैलियाँ होंगी नहीं। मध्य प्रदेश में आने समय में उपचुनाव हैं, उपचुनाव किस तरह से होंगे, उपचुनाव को लेकर कैसे कैंपेन होगा, कैसे वोटिंग होगी, क्या तरीका होगा, वो भी एक चीज देखने लायक है। पॉलिटिकल लोगों के लिए जो जिस तरह के शक्ति प्रदर्शन के जो भी हथियार थे, इस कोरोना ने उनसे हथियार छीन लिए हैं। अब पॉलिटिकल लोगों के लिए एक तरह से अच्छा भी है कि जो शक्ति प्रदर्शन में पैसा खर्च होता था, कहीं ना कहीं वो जनता का ही पैसा था, जो घूम के पैसा नेताओं के पास आता था और वो खर्च होता था, तो कहीं से पैसा रुकेगा, शक्ति प्रदर्शन रुकेगा थोड़ा बहुत। साथ ही हम जो दौर कोरोना का आया है, आपको याद होगा कि हम जब भी समय की बात करते हैं तो ईसा पूर्व ईसा पश्चात, हो सकता है कि हम आने वाली पीढ़ियों को ये बताएं कोरोना के पहले हम कैसे थे और कोरोना के बाद हम कैसे हुए। ये संभव है कि हम कोरोना को हम कंपेयर करने के लिए कोरोना हमारा एक आधार होगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी बदलाव कोरोना के संक्रमण के चलते और कोरोना के जो प्रकोप है उसे चलते हुए हैं। मैं अब एक बात आपको और बता दूं कि सरकार अपने तमाम प्रयास कर रही है, सरकार के प्रयास बहुत अच्छे हैं, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट,
प्रशासन भी लगा हुआ है, हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन मैं पुलिस की यहाँ बात जरूर करना चाहूँगा, पुलिस ने इस कोरोना काल में जो काम किया है वाकई वो उम्मीद से ज़्यादा काम किया है। पुलिस प्रशासन एक ऐसा सिस्टम था जिससे लोग डरते थे, पुलिस की छवि लोगों के दिमाग में एक अलग तरीके की थी, लेकिन इस पूरे कोरोना काल में, इस पीरियड में पुलिस ने अपनी उम्दा भूमिका निभाई है। पुलिस को वाकई, पुलिस इसके लिए तारीफ की पात्र है, उनको वाकई बहुत बहुत बधाई। पुलिस के अधिकारियों को, जवानों को, सब ने अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। जहाँ तक हम बात करें जनता की, ऐसा नहीं है इक्का दुक्का के साथ छोड़ दें, जनता भी जागरूक है, लोग भी अपनी पूरी सेफ्टी रख रहे हैं, सेफ्टी रख के काम कर रहे हैं। कोरोना एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा खतरा है जिससे निपटने के लिए हम सबको सामूहिक उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा। जो प्रोटोकॉल है कोरोना के, उसके तहत हमको जो प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करते हुए हमको घर में रहना है, कैसे बाहर जाना है तो किन प्रिकॉशंस के साथ जाना है, इन सब को ध्यान में रखते हुए कोरोना के साथ हमको जीना सीखना है। यही कोरोना से हमारी लड़ाई है। जब तक वैक्सीन नहीं आता है, जब तक हमको कोरोना से संभल कर ही मुकाबला करना होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।